नमस्ते। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. आप सभी लोगों का स्वागत है और मुझे खेद है आप लोगों को इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। आजकल इंटरनेट के कई सारे इश्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से कई बार देर होती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे साथ आज हैं आपके चिर परिचित आरएसएन सिंह, जिनके बुलाने के लिए आप लोगों ने मुझसे कई बार डिमांड की थी। तो आरएसएन सिंह, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। आज का विषय है ट्रेटर्स विद इन द फिफ्थ कॉलम, और आप तो रॉ में रहे हुए हैं और इंटेलिजेंस में आपने लंबे समय तक काम किया है, फिफ्थ कॉलम का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं संदीप देव जी, उन्होंने इसका एक टर्म ईजाद किया है, कहते हैं इसको पंचमक्कार। पंचमक्कार यानी मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मैकॉलेट, मैकॉले पुत्र और लुटियंस मीडिया, या मीडिया सिर्फ मीडिया कह लें, आजकल का तो मीडिया एक ही तरह का है। तो हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि इनके अतिरिक्त भी आप किसी और को ये फिफ्थ कॉलम के रूप में समझते हैं, या ये पांच जो हैं ये पर्याप्त हैं इस ट्रेटर्स विद इन या फिफ्थ कॉलम की परिभाषा को मीट आउट करने के लिए। जी दीक्षित साहब, देवियों और सज्जनों, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये विलंब जो कार्यक्रम के आरंभ में हुआ है, वो उसके लिए मैं पूर्ण रूप से मैं दोषी हूँ। कुछ जैसा कि बताया, कुछ इंटरनेट के इश्यूज थे, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि आप लोग दुनिया के कई जगहों पे आप हमको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो विलंब के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपको मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो देवियों और सज्जनों, आज का जो विषय है वो फिफ्थ कॉलमनिस, प्रॉक्सी वॉर, इंटरनल सिक्योरिटी या थर्ड फ्रंट की लड़ाई के बारे में है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मेरा अपना ये मत है, मेरा फर्म कन्विक्शन है कि चाहे वो सिंगल फ्रंट सिचुएशन हो या टू फ्रंट सिचुएशन हो या मल्टी फ्रंट सिचुएशन हो, हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, और मुझे उसके बारे में कभी भी चिंता नहीं हुई है। मैं एक्सटर्नल फ्रंट की बात कर रहा हूं, मुझे कभी चिंता नहीं हुई है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फ्रंट की चुनौतियां हैं वो जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट, स्ट्रैटेजिक मनूवरिंग से उसके द्वारा मैनेज की जा सकती है, आपकी शक्ति के द्वारा मैनेज की जा सकती है। लेकिन जो इंटरनल फ्रंट की जो चुनौतियां हैं, जिसकी थर्ड फ्रंट की जो चुनौतियां हैं, उसमें ये लैटिट्यूड नहीं होता है कि आप स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करके, जियोपॉलिटिकल अलायंसेस करके, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को मैनेज करके आप उसमें उसको इन्फ्लुएंस कर सकें, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं अगर इसको यूं कहें कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं हमारे, वो एक स्टेट क्राफ्ट का मैटर है कि स्टेट कैसे रिस्पॉन्स करता है उसको। और मैंने आपको जैसा कहा कि उसके पास, स्टेट के पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, और
वो उसको एक्सरसाइज करके वो एक्सटर्नल फ्रंट को मैनेज कर सकता है, लेकिन इंटरनल फ्रंट जो है अगर वो स्टेट एक्सटर्नल फ्रंट स्टेट क्राफ्ट पे डिपेंड करता है तो इंटरनल फ्रंट जो है आपका वो नेशन बिल्डिंग पर आधारित है और उसके लिए आपकी दिशा, आपका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जो एक देश के लिए सही है वो दूसरे देश के लिए वो शायद सही नहीं होगा। हम इसमें कोई टेम्पलेट नहीं लेकर चल सकते हैं क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना ज्योग्राफी, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपना जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अपना स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट, अपना अपना थ्रेट परसेप्शन, ये सब का अलग अलग होता है। तो अगर कोई ये कहता है कि आप ब्रिटेन की तरह के टेम्पलेट पे आप नेशन बिल्डिंग करें या यूएसए के उस पे नेशन बिल्डिंग करें या एक छोटे से आइलैंड कंट्री है सिंगापुर उसके उस पे नेशन बिल्डिंग करें, तो इससे ज्यादा ये नाइंसाफी भारत के साथ नहीं होगी। तो इसलिए जो नेशन बिल्डिंग का जो तरीका है वो हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। जो आपकी धरोहर है, आपकी जो आपका जो थ्रेट परसेप्शन है, आपका जो स्ट्रेटजिक एस्पिरेशंस है, जो आपका नेशनल एम्बिशंस है, उसके ऊपर वो नेशन बिल्डिंग आधारित होना चाहिए। और जब तक इसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, दिशा जब तक ठीक नहीं होगी, आपका नेशन बिल्डिंग प्रोसेस कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता है। और देवियों और सज्जनों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप सोवियत यूनियन का ले लें, एक इतना शक्तिशाली एक गणराज, न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर, इतने सारे टैंक्स, इतने सारे फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, लेकिन वो क्या हुआ? वो कोलैप्स हो गया। वो इसलिए कोलैप्स हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल फ्रंट उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। वो एक सुपर पावर रहे, उन्होंने जब तक वो रहे, पूरी दुनिया में आपको मालूम है कि कम्युनिज्म, इंटरनेशनल कम्युनिज्म का क्या बोलबाला था, उनकी अंतरराष्ट्रीय पटल पर उनकी क्या उनकी शानो शौकत थी। लेकिन आज वो देखिए सोवियत यूनियन, ये तमाम चीजों के साथ रहने के बावजूद भी वो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स कर गया। वो इसीलिए कोलैप्स किया क्योंकि जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस जो था वो बिल्कुल स्क्यूड था, वो बिल्कुल वो गलत था, उसकी दिशा ठीक नहीं थी। आप कोई विचारधारा किसी पे इस तरह से थोप दे और आप ये कहें कि परपेचुटी तक वो विचारधारा चाहेगी, जो विचारधारा इवॉल्व भी नहीं, मतलब हर चीज इवॉल्व करती है, और आप अगर सोचते हैं कि आप उस पे नेशन बिल्डिंग कर सकते हैं तो उससे नेशन बिल्डिंग नहीं हो सकता है। और मैं आपको ये भी आगाह कर दूं कि कोई भी किसी भी राष्ट्र का नेशन बिल्डिंग उसके संविधान पे नहीं होता है, उसके संविधान से नहीं होता है। संविधान जो है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का वो उसका उसके उसका उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो एक संविधान एक बहुत स्मॉल फैक्टर है ये पूरे प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में। आप एक और उदाहरण ले लीजिए श्रीलंका का। श्रीलंका, मैं अपने ऑफिशियल जो मेरी चार्टर ऑफ ड्यूटीज थी, मैंने बड़ा क्लोजली उस कंट्री को देखा, मैंने उस कंट्री के साथ डील भी किया। और एक वक्त था करीब दस साल का, और मैं ये जब जितने एजेंसीज की मीटिंग्स होती थी उसमें मैं जाता था, तो हर लोग यही कहते थे कि वहां पे देखिए ये एलटीटी जो है उसको उसका मुकाबला बहुत मुश्किल है, बहुत फॉर्मिडेबल ये है, उनकी बहुत ताकत है, जो श्रीलंकन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका मनोबल बहुत
गिरा हुआ, और एक अंग्रेजी में वो कहते थे कि दे हैव नो स्टमक फॉर फाइट। लेकिन क्या हुआ, LTTE आखिर उसको भी हार माननी पड़ी, और इसलिए हार माननी पड़ी क्योंकि जो स्टेट जो था, स्टेट के पास कई विकल्प होते हैं, स्टेट के पास अलायंसेस के विकल्प होते हैं, स्टेट्स जो है एक दूसरे स्टेट को रीच आउट कर सकता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को कुछ प्रलोभन दे सकता है, दूसरा स्टेट वो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस का को लेके, जैसे चाइना ने फायदा उठाया श्रीलंका में, उसने फायदा उठाया, और क्या हुआ, LTTE की हार हुई। और मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज टोटली स्क्यूड इवन इन केस ऑफ श्रीलंका। चर्च का बहुत बड़ा हाथ था जी, बिल्कुल सही। उस वहां पे श्रीलंका में जो प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन जो था वो बहुत पहले हो जाता है। ऐसा नहीं है वहां पे जो सिनाला बुद्धिस्ट हैं और जो 2000 साल से वहां जो टैमिल्स रह रहे थे वो बिल्कुल इतने हजारों साल से रहे, लेकिन जब से चर्च का पेनिट्रेशन हुआ, ये रिकंसिलिएशन प्रोसेस वहां पे मैंने देखा कि वो उसमें कई तरह के ऑब्स्टिकल्स आने लगे। और वो चर्च का, जब मैं चर्च की बात कर रहा हूं, तो ये आप देखिए कि तमाम जो LTTE के ऑफिस थे वो कहां पे थे, पहले लंदन में, उसके बाद वो पेरिस शिफ्ट किया। किसी ने हिंदुस्तान में यह सवाल नहीं पूछा कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि वहां पर उनको इतना पेटर्नेज दिया जा रहा है, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि नॉर्वेजियंस जो है वहां पर वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं यहां पे। तो चर्च को एज अ वेक्टर यूज किया गया। और यहां पे माफ कीजिएगा जो लोग आप बाहर में हैं, मेरी नहीं लगेगी शायद, कि दुनिया के जितने जितने छटे हुए बदमाश हैं, जितने छटे हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे बड़े जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्रिमिनल आउटफिट्स हैं, उनका कुछ न कुछ नाता हमेशा लंदन से जरूर रहा है। और किसी देश का, मुझे मालूम है आप जो वहां पे रहने मेरी बात सुन रहे हैं उनको ये बात शायद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप देखिए खालिस्तान का हेडक्वार्टर्स वहां, LTTE का हेडक्वार्टर्स, आप दुनिया का कोई भी ले ले, कोई भी यहां से 500 मिलियन पाउंड्स लेके उधर डॉलर्स लेके वो जाए, उसको नागरिकता मिल जाती है। और ये शुरू से, ये आज से नहीं है, ये जो लूट की प्रवृत्ति जो कॉलोनियल पावर्स की थी वो आज तक नहीं गई है। तो इसलिए मैं श्रीलंका का इसलिए ये दे रहा हूं कि देखिए वहां पे प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन बहुत पहले हो जाता, चर्च के कारण नहीं हुआ। और अभी आपने देखा कि अभी पिछले साल अप्रैल में 2019 में वहां पर 3-4 जगह पे चर्चेज में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ग्लोबल जिहादीज ने किया। वो ग्लोबल जिहादीज कौन थे, वो ग्लोबल जिहादीज, उनका लिंक केरला के जिहादियों के साथ था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज दे रही थी श्रीलंकन गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी वो उसको एवर्ट नहीं कर पाए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्लोबल जिहाद को ये केवल श्रीलंका के परिपेक्ष में ना देखें, ये ग्लोबल जिहाद मैं इसको कहता हूं कोलंबो, केरला, कश्मीर, काबुल, कोलंबो, केरला, कश्मीर, काबुल,
तो ये पूरा ये ग्लोबल जिहाद का ये 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 स्वरूप है। और लोग कश्मीर की जी 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 और मैं आपको आपने ये देखा होगा कि अभी हम साउथ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं और पुष्पेंद्र जी कई जगह जाते हैं, हमको चेन्नई भी जाने का मौका मिला, हमें आमंत्रण मिला था वहां से, और जिस होटल में हम रुके हुए थे वहां हमने देखा कि हमारे हर टेबल के ये ड्रॉवर में बाइबल पड़ी हुई थी और वो होटल किसी हिंदू शख्स का था, तो इस पर आवाज आज भी उठाई, हमें कोई बाइबल से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, अगर प्रेम नहीं है तो कोई दुश्मनी भी नहीं है मुझे, लेकिन हमने कहा कि अगर आप लोगों की धार्मिक आस्था या धार्मिक कारणों से अगर आप इसको रखे हुए हैं यहाँ पे, तो फिर हर धर्म और हर मजहब का यहाँ पे होना चाहिए। और उसी के विसिनिटी में जहां हम रुके हुए थे एक मुसलमानों की संस्था थी वहां पे, वो मुझसे वहां लड़के और लड़कियां दोनों थे, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि वो किसी भी परिपेक्ष में किसी भी तरीके से वो तमिल नहीं दिख रहे थे, वो बिल्कुल जिहादी दिख रहे थे, अपने कॉन्डक्ट में, अपनी वेशभूषा में। तो ये साउथ इंडिया का जो आप देख रहे हैं जो रेडिकलाइजेशन है, ये शायद हमारे रडार में अभी तक नहीं आया, जबकि केरला से कन्नूर मॉडल, कोड मॉडल, उमर अल हिंदू मॉड्यूल, ये मैं इस पे जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना कहना काफी होगा कि यहां से लोग अफगानिस्तान गए, कम से कम 2 दर्जन लोग मारे गए अफगानिस्तान में आईसीस के से लड़ते हुए, सीरिया गए, सेक्स स्लेव्स बना के उनको यहां से ले गया। और हम जब हैदराबाद गए तो हमने हैदराबाद में, हमारे पास बहुत से लोग आए और हमारा कई बार जाना हुआ, मेरा और पुष्पेंद्र जी का हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश के कई जगहों पे। आप यकीन मानिए कि हमारे पास बहुत लोग आए और उन्होंने अपनी व्यथा कही, उन्होंने कहा कि ये राज्य जो है ये बिल्कुल चर्च और जिहादियों के हाथ में चला गया है, हमें अपनी पहचान आज बनाना मुश्किल है, कायम रखना मुश्किल है। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा एक देश, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, और ये कोई अच्छे संदर्भ में ये नहीं बोला जाता है, इसका कोनोटेशन क्या है कि क्योंकि आपके यहां विविधताएं हैं इसलिए आप कंडेम्ड हैं, और ये डाइवर्सिटी जो है क्योंकि यहां पे एग्जिस्ट करती है इसलिए
हमको यहां पर हर इज्म, हर कन्वर्जन, हर तरह का कन्वर्जन, हर तरह का इवेंजेलिज्म, सब कुछ और सब कुछ यहां पे जायज है। और जबकि जबकि दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा अगर यूनिटी है तो वो है हिंदुस्तान में। मैं हमेशा हर एक फोरम्स पे एक एक बात मैं बोलता हूं हमेशा कि हिंदुस्तान को तीन चीजें जोड़ती हैं, संस्कृत, संगीत और साड़ी। ज्यादातर हैं वो संस्कृत, संस्कृत उनका सोर्स है, वो उनका मदर, उनका उनकी माँ है। मणिपुर से लेके केरला तक महिलाएं साड़ी पहनती हैं। त्रिपुरा का एक आदमी एसडी सचिन देव बर्मन, वो मुंबई में आके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक संगीतकार, ऐसे कई उदाहरण है। तो ये संगीत, ये तीन चीजें हमारे यहां जो है, एक एक ये ए, 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 एक वो जो जो आर्टरी है, कल्चरल आर्टरी है, आप इसको कैसे नकार सकते हैं। लेकिन आप देखिए, आज अगर आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति वो एक, इट इज एन amalgamation or melange of Tamil culture, Malayalam culture, Telugu culture, culture, Rajasthani culture. It is a melange, melange of all these. कल ये सारी संस्कृत, संस्कृतियां जो हैं उसका उसका एक ये सुंदर सा गुलदस्ता है। अब आप को इस बात का तय करना होगा कि आज के मुसलमान यहां पे किस तरीके से इसमें फिट बैठते हैं। इस जिस संस्कृति की मैंने बात की, जिस गुलदस्ते की हमने बात की, ये किस का स्थान क्या है, क्या इन्होंने अपना स्थान रखा है या वो स्थान छोड़ दिया। तो आप लोग जब हमको बताते हैं और कि नेहरू जी ने बोला यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड ऑल दैट नॉनसेंस, आप कहते हैं कि ये देश विविधताओं से भरा देश है, तो ये बताइए कि ये जिहादी संस्कृति जो है, ये जिहादी संस्कृति ये कैसे केरला से कश्मीर और कश्मीर से काबुल और तमाम वहां से बंगाल और बंगाल से दिल्ली को और आसाम से कोकराझार, कोकराझार से मुंबई, मुंबई से हैदराबाद, हैदराबाद वो वहां और वहां से बंगलुरु, वहां कैसे पहुंच गया। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शाहीनबाग में एक्टिव था, सारा कुछ ट्रांसेंड करता हुआ।
बैंगलोर का एक डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, चिकित्सक, जिसका काम है लोगों की जान बचाना, वो सीरिया गया, वहां से रेडिकलाइज, पहले रेडिकलाइज हुआ, वो सीरिया गया, वहां से आया और वो आईसीस का नुमाइंदा है। उसको एनआईए ने गिरफ्तार किया। सादिया अनवर शेख नाम की लड़की, पूना की पढ़ी लिखी लड़की, वो पहले कश्मीर गई थी रिपब्लिक डे के दिन ब्लास्ट करने, दो बार रेडिकलाइज डी रेडिकलाइजेशन हुआ नहीं, उसके बाद भी वो यहां पे, वो दो एक कश्मीरी कपल था, हिना बेग और एक और उसका नाम था, वो उसके साथ इनके कांटेक्ट थे, वो कश्मीरी थे। तो ये सारा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब आप विविधताओं की बात करते हैं तो आखिर ये कैसे ट्रांसेंड कर जाता है। तो इसका मतलब कि ये एक ग्लोबल थ्रेट है, एक पैन इस्लामिक थ्रेट है, और आपका जो, आपकी जो अप्रोच है वो है कॉम्पार्टमेंटलाइज्ड है। तो देवियों और सज्जनों, आप देखें, ये जो मैं कह रहा था आपको कि ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। ये अगर कोई कहे कि ये फिनोमिनन नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं ज्यादा इतिहास नहीं जानना चाहता, लेकिन ये बताइए कि क्या ये फिनोमिनन कैलिफेट खलीफेट में देखने को नहीं मिला था? क्या ये जिसको मोपला रेबेलियन कहते हैं, क्या ये पाकिस्तान मूवमेंट में नहीं देखा गया था? क्या भारत के 86% मुसलमानों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट नहीं दिया था? क्या ये आजादी के तुरंत बाद जब निजाम के खिलाफ जब ऑपरेशन पोलो किया गया तो क्या रजाकार से हमको युद्ध नहीं करना पड़ा था? क्या उस समय कम्युनिस्ट जो थे तेलंगाना में, क्या उनको नहीं, उनके साथ युद्ध नहीं करना पड़ा था हमको? क्या 1962 वॉर में एक बहुत बड़ा धड़ा कम्युनिस्टों का, क्या उन्होंने चाइनीज को सपोर्ट नहीं किया था? यहां तक कि चाइना के सपोर्ट के इशू पर कम्युनिस्ट पार्टी में उस समय स्प्लिट हो गई थी। जो महाराष्ट्र और दूसरे जगह के कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम चाइनीज को हम नहीं सपोर्ट करेंगे, डांगे वगैरह जो लीडर थे, और जितने बंगाल के जो कम्युनिस्ट थे और आपके पंजाब के, उन्होंने चाइनीज को सपोर्ट किया था।
क्या 71 की लड़ाई, क्या 71 की लड़ाई में के पहले मैडम गांधी ने ऑपरेशन स्टीपल चेज नहीं चलाया था माओवादियों के खिलाफ, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये फिफ्थ कॉलमनिस्ट का काम ना करे। उसके बाद आपने 71 की लड़ाई आपने, मैं कुछ आपको इतिहास के पढ़ने बुला रहा से कुछ जो माइलस्टोन्स हैं, ये दिस जर्नी ऑफ फिफ्थ कॉलमनिस्ट, उससे मैं आपको आगाह कर रहा हूं। मिसेस गांधी ने स्टीपल चेस चलाया था 1971 में। उसके बाद से 71 की लड़ाई के बाद आप पे सोवियत यूनियन हावी हो गया। हावी होने के बाद आपने आपसे 3-4 कंसेशन मांगे, सोवियत यूनियन के कहने पर आपने अपने संविधान को बदला। वो फ्रेंडशिप ट्रीटी ने हमको अगर फायदा पहुंचाया 71 की लड़ाई में, तो ये बताइए ये इंटरनल फ्रंट पे उसने बहुत नुकसान भी पहुंचाया। जेएनयू के संदर्भ में कंसेशंस मांगे थे सोवियत यूनियन ने, मिसेस गांधी को प्रेशराइज किया था कि आप अपना प्रीएम्बल बदलिए और उसमें वर्ड सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म आप जोड़िए। बाबा साहब अंबेडकर के पास कुछ लोग गए थे और उन्होंने जब यह संविधान का निर्माण हो रहा था तो कुछ लोगों ने उनसे कहा था कि आप ये सोशलिज्म क्यों नहीं इसमें डालते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं आने वाली पीढ़ियों को मैं सरकमस्क्राइब नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हो सकता है कि सोशलिज्म से कोई बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आ जाए। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि ये जब तक सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म शब्द हमारे संविधान में नहीं था तो क्या भारत बिल्कुल नरक था? आज तक किसी ने सवाल पूछा? ये तमाम एकेडमिशियंस ने इस पर कोई रिसर्च है कि आखिर किस मजबूरी के कारण हमने ये वर्ड सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म हमने इंसर्ट किया है? एक बहुत बड़ी एक बात बोली जाती है यहां पे कि हर धर्म और हर धर्म बराबर है। धर्म एक होता है, मेरी जो अपनी समझ है धर्म के बारे में और मेरी जो अपनी व्याख्या है कि धर्म इज नथिंग बट अ सेट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जो चीज विज्ञान के पटल पे खरा ना उतरे वो धर्म हो ही नहीं सकता है। मजहब की तारीख होती है, मजहब का कोई पैगंबर होता है, मजहब की कोई किताब होती है, मजहब जिंदा होते हैं, मजहब मरते हैं। मजहबी किताबों में यह लिखा रहता है, लिखा हुआ है कि धरती चपटी है। गैलीलियो को इन्होंने कितनी इनको पीड़ा दी चर्च ने, क्योंकि उसने कहा था इट इज द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन नॉट द अदर वे राउंड। और आप यहां पे आप जजमेंट पे बैठ जाते हैं कि सब पूजनीय है, सब भगवान का एक ही रास्ता है। आप उससे पूछो
वो कहता है किताब के जरिए है, और फिर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जो ये कहता है कि मेरे ईश्वर के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इसी बुनियाद पे वो कन्वर्जन करता है, और आप यहां पे हिंदुस्तान को आप ह्यूमन राइट्स का लेक्चर दे रहे हो आप। तो देवियों से हम लोग, ये कौन लोग हैं, ये आखिर लोग कौन है? सबसे बड़ी अगर कोई दुनिया में, अगर हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई सबसे बड़ा अभिशाप है तो वो है पहचान, पहचान की कमी। मैंने कहा ना कि जब मैं संस्कृति की बात कर रहा हूं तो मैं तमिल, तेलुगु, बंगाली, असामी, राजस्थानी, गुजराती, मैं सारे संस्कृतियों की बात करता हूं। वहां पे कहां पे ये बैठते हैं, ये फिट बैठते हैं? तो अगर कहीं नहीं फिट बैठते हैं, जिन लोगों ने अपना मजहब बदल लिया, उनका नाता सेक्रेट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से टूट गया। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे हर स्थान किसी न किसी हमारे पुराणों में या हमारी, जिसको अगर आप उसको माइथोलॉजी कर कहना चाहें, आप उसको जो कह, जिससे वो जुड़ा हुआ ना हो। अगर काशी है तो एक उत्तर काशी भी है। अगर भगवान राम की अगर आप पूरी यात्रा देखें तो वो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट और आज भी आइडेंटिफाइबल है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई कहां हुई थी वो भी आपको मालूम, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वहां पे, वहां भी मुझे बोलने का मिला था। तो हर चीज आइडेंट। अब आपने मजहब बदल लिया, गंगा आपके लिए एक महज वाटर बॉडी रह गई, हिमालय आपके लिए महज एक पहाड़ रह गया, आपने उसे पहचान ले ली। और एक बार जब किसी से आप पहचान ले लो, यू रॉब हिम ऑफ हिज आइडेंटिटी, उसका ले लो, तो उस आदमी का मुझे लग रहा है कि इंटरनेट की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है आर एस एन साहब के एंड पर। आपके जो भी सवाल आए हैं उनको सबको हम होल्ड कर रहे हैं, और होल्ड करने के बाद हम पुनः आर एस एन सिंह जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार पुनः आएंगे वो, और फिर पुनः उनको यहाँ हम आमंत्रित करके फिर इन सारे प्रश्नों के उत्तर उनसे पुनः दिलवाएंगे। वो क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हम अलग से कर लेंगे। वैसे जो हमारा सवाल था उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्या कर दी है कि फिफ्थ कॉलमिस्ट क्या होते हैं, ट्रेटर्स विद इन क्या होते हैं, उसकी पूरी व्याख्या आर एस एन सिंह साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर दी है।
और इसको फिर हम आगे और किसी समय फिर आगे जारी रखेंगे। आज जो असुविधा हुई आप लोगों को इस इंटरनेट की कमी की वजह से, उसके लिए खेद प्रकाश करते हुए आज का ये जो कार्यक्रम है हम यहीं समाप्त करने के आपसे अनुमति चाहते हैं। आपके धैर्य के लिए और धीरज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल चिंता न करें, आपने जो भी प्रश्न पूछे वो सारे के सारे प्रश्न लिए जाएंगे। आज नहीं ले जा पाएंगे तो अगले दिन लिए जाएंगे या एक दो दिन के बाद लिए जाएंगे। हम पुनः हरसन सिंह साहब से अनुरोध करके उन्हें वापस लाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।